क्या हाल है दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद, कम से कम लगा लो 3-4 दिन बाद धूप निकली है, बहुत बढ़िया। तो आज सोचा छत पे घूम लिया जाए। तो आज जो मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है फीमेल डॉग की मीटिंग किस दिन करवानी चाहिए, कौन सा दिन फीमेल डॉग की मीटिंग के लिए सही रहता है। बहुत से भाई हमारे परेशान रहते हैं कि किस दिन मीटिंग करवाए, किस दिन ज़्यादा अच्छा अच्छी तरीके से कंसीव कर लिए, किस दिन कंसीव करने में आसानी होती है। तो दोस्तों देखो, जो मेरी फीमेल डॉग है रोटविलर, इसकी मैंने अभी मीटिंग करवाई है। पहली मीटिंग जो इसकी मैंने करवाई थी पहली लीटर पे, तो पहली करवाई थी जिमी नीचे ही। पहली मीटिंग जो करवाई थी पहले लीटर की, वो करवाई थी 11वें और 13वें दिन। और अब की बार जो मैंने करवाई है, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा था, शनिवार और इतवार का वीकेंड कर्फ्यू लगा रहता है, तो इस वजह से मेरे को इसका जो डेट बन रही थी 11वें दिन वो बन रही थी 8 तारीख, और जो इसकी 13वें दिन की डेट बन रही थी वो तो बन रही थी 10 तारीख। तो मैंने 8 तारीख की जगह 7 तारीख को मीटिंग करवाई इसकी, यानी कि 10वें दिन। और उसके बाद मैंने करवाई इसकी मीटिंग सोमवार को, यानी कि बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार सोमवार 7, 8, 9, 10, फिर 10 को करवाई। तो मतलब 7वें दिन और 10वें दिन, 12वें दिन इसी इसकी मीटिंग इस बार मैंने करवाई है। जिमी नीचे हो, इधर आ, ऊपर पर चढ़। तो देखते हैं इस बार इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो लेकिन नॉर्मली जो मीटिंग होती है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल एक ब्लड टेस्ट होता है इनका, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता करना है तो वो तरीका होता है कि इसका प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक करवा लीजिए। शहरों में तो हो जाता है, हमारे यहाँ भी हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं करवाया अभी तक, क्योंकि पहला मैंने इसी हिसाब से करवा लिया था, तो उसमें भी इसके 11 बच्चे का 1 लीटर हुआ था, तो मैंने उसी अंदाज से लेकर चला था इस बार भी। लेकिन इस बार लॉकडाउन लग गया दिल्ली में शनिवार इतवार, तो इस वजह से मेरे डेट थोड़ी आगे पीछे होगी। चलो देखते हैं अब आगे वाले टाइम में क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन जब भी आप किसी अपने डॉग की फीमेल डॉग की मीटिंग करवाने जाओ, तो सबसे पहले जब उस जिस दिन उसकी हीट आए उस दिन को भी काउंट करके उसके 3 दिन के अंदर अंदर तो उसकी डिवॉर्मिंग कर दीजिए, ताकि हीट जो है उसकी खुल के आ जाए, साइलेंट हीट वगैरह ऐसा भी कोई दिक्कत ना हो, हीट खुल के आ जाएगी। डिवॉर्मिंग कर दीजिए अच्छी टैबलेट लेकर, डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है जब हीट आ रही हो और आपको उसकी मीटिंग करवानी हो। और एक टैटनेस का इंजेक्शन इसका लगवा दीजिए दोनों, और नॉर्मल प्राइस होते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है। डिवॉर्मिंग भी अगर आप पर टेन केजी पे एक टैबलेट खिलाएंगे तो मेरी तो काफ़ी लग जाती है। मैं ड्रोन टल लाता हूँ तो एक 65 रुपये की टैबलेट आती है, 60 की 65 की ऐसी आती है, तो इसको लगा लो 4 टैबलेट से ऊपर ही लगती है, 4.5 टैबलेट लगती है इसको। लेकिन फिर भी जो करवानी है तो करवानी है। तो अब इसको मेरे को मीट करवाए जो है, पहली मीटिंग इसकी 7 तारीख को हुई थी, और आज जो तारीख है तो आज 10 दिन पूरे हो गए हैं इसको। तो 10 दिन में देखिए कोई सिम्टम्स वगैरह कुछ ऐसे कुछ खास नज़र नहीं आते हैं कि कई बता दे कि 10वें दिन में कंसीव कर लिया है, ये कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हाँ, ज़्यादातर ये जैसे बताते हैं कि वाइट कलर का डिस्चार्ज करती है 10 दिन के बाद और 1 महीने के अंदर अंदर वाइट कलर का डिस्चार्ज करे, तो 70% आप मान लीजिए कि आपकी जो फीमेल डॉग है कंसीव कर लेती है। ये भी एक जो पुराने अनुभवी आदमी है उनका एक सिर्फ अंदाज़ा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो आपको बेस्ट तरीका पता लगेगा वो तो अल्ट्रासाउंड से ही पता लगेगा, या आफ्टर 35 डेज़ के बाद ही पता लग सकता है कि फीमेल डॉग, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल डॉग जो होती है वो पूरा ऐसे रंग दिखाती है जैसे ये कंसीव कर रखा होता है, बच्चे उसके पेट में होते हैं, लेकिन अंतिम समय में आकर 65 डेज हो गए, 67 डेज हो गए, 70 डेज हो गए, लेकिन डिलीवरी नहीं करती, डिलीवरी देती करती नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, उससे फॉल्स प्रेगनेंसी में वो चली जाती है। तो उसको फॉल्स प्रेगनेंसी से बचने के लिए, अपने क्लियर करने के लिए, आपको सबसे पहले अगर उसको क्लियर करना है तो अपना 30 डेज या 35 डेज के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे पेट में हैं या नहीं है फीमेल डॉग के। अभी इसको 10 दिन में जी, अभी तो नहीं कुछ पता लगेगा फ़िलहाल, तो जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती रहेगी वैसे मैं बताता रहूँगा आपको, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मैंने इसको जो, लेकिन हाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो आप मीटिंग करवा देते हो
तो कई भाई पूछते हैं, कई बार फ़ोन भी आता है कि भैया मीटिंग करवाई है, डाइट में क्या चेंज करें क्या ना करें। तो अगर आपने मीटिंग करवाई है तो फर्स्ट 30 डेज़, 30 दिनों तक आप उसकी डाइट में कोई चेंजेस मत करिए। जो आप उसे खाना दे रहे हो वही खाना उसको देते रहिए, इसके अलावा उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ, बस थोड़ा ये ध्यान रखिए, भागा दौड़ी ना करें, उछल कूद ज़्यादा ना करें, नहीं तो 30 डेज़ तक आपको कोई उसको डाइट में हमने चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा गर्मी के टाइम में चावल दही इन ठंडे तासीर की तरफ ध्यान दिया जाता है कि भाई ठंडी तासीर की चीज़ें खिलाई जाएँ गर्मी के टाइम में। और ठंड में भी आप इसे नॉर्मली तो चावल और दलिया तो मैं फ़िलहाल दे ही रहा हूँ, और दही की जगह मैंने इसे दूध देना चालू कर दिया। अंडा मैं फिर भी इसे भी दे रहा हूँ, एक अंडे में तो कुछ नहीं बिगड़ता, एक अंडा एक सुबह शाम आप दीजिए, दे दीजिए ठंड के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये रखिए, और इसके अलावा तो और कुछ रखिए मत, बस ये नॉर्मल डाइट रखिए। डाइट में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं मत करिए, आफ्टर 30 डेज़ या 35 डेज़ आप इसको मल्टीविटामिन चालू कर दीजिए। इसकी मल्टीविटामिन आप चालू कर सकते हो, कैल्शियम चालू कर सकते हो बस, और थोड़ा सा फूड वगैरह अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो मेरे को तो लगता नहीं फूड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा बड़े पेट में हो जाएंगे तो दिक्कत फिर डिलीवरी के टाइम में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब बच्चे डिलीवरी कर दे आपकी डॉग, उसके बाद आप उसको डॉग फूड वगैरह अच्छा दीजिए ताकि वो उसका मिल्क प्रोड्यूस अच्छे तरह से हो सके। और जो भी आप उसे आफ्टर डिलीवरी खिलाओगे वो सब उसको बच्चों को ही जाना है, क्योंकि दूध बन के वो उनके शरीर में लगेगा, तो आफ्टर डिलीवरी भी आप बच्चों को हष्ट-पुष्ट कर सकते हैं। तो पेट के अंदर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर डिलीवरी में दिक्कत ना हो जाए, इसलिए नॉर्मल डाइट पर रखिए। और तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे जैसा भी होगा आपको टाइम टाइम पर अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।